मेरे पीछे आप देख रहे हैं लंदन आई, और इसके मैंने जो पड़े हैं दो जगहों से मुझे चार्जेस मिले थे, एक बंदा कह रहा था 25 पाउंड ने और एक कह रहा था 32 पाउंड है, लेकिन मसला कोई नहीं है क्योंकि मेरे लिए दोनों ही ज्यादा है इसलिए मैंने नहीं जाना। रात ए तोपा ने जिहड़ी इन्हां ने चला चला के बड़े सगीर फतह कर लिता सी। अस्सलाम वालेकुम, ग्रीपन ट्रिप का नया एपिसोड, और इस वक्त मैं सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में फिर रहा हूँ और बिग बैन के बिल्कुल ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ। बल्कि लोगों ने क्या पाए जरा पीछे हुई हो, तुम बिल्कुल उत्ते खलोते हो। तो यहाँ पे चलती है ऊपर बोट्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से जाती हैं क्रूज शिप जाती हैं, आपको थेम्स का चक्कर लगवाती हैं पूरे शहर का। तो मैं आज जाऊँगा लंदन टावर ब्रिज। तो लंदन टावर ब्रिज पे जाने के कई रास्ते हैं, आप कैश पे भी यहाँ से ले सकते हैं लेकिन कैश बहुत महंगा पड़ेगा, लिहाजा आपके भाई के पास क्योंकि कॉन्टेक्टलेस कार्ड आ गया है तो अन्नी पाइए 12-13 पाउंड है सिंगल एंट्री का अगर आप कैश पे लेते हैं, और अगर आपके पास कार्ड है तो आप ऊपर के जरिए जा सकते हैं, ऊपर पे आपके 7 पाउंड लगेंगे, मतलब 5 पाउंड की हो गई है बचत। तो ये मैं आपको, तो ये रास्ता देखते चलते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, ये सीढ़ियाँ उतर के फिर हम जाएंगे आगे, और आपको ब्रिज से नज़र आ जाती हैं बहुत ज़्यादा बोट्स जो जैसे जैसे भर रही होती हैं आगे चली जाती हैं, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक टाइम भी होता है, यानी कि जिन्हों भर के निकल गई स्पेसिफिक टाइम पे ही ये चलती हैं। और ये लंदन डंजन भी नाल लाने मेरे पीछे आप देख रहे हैं लंदन आई, और इसके मैंने जो पड़े हैं दो जगहों से मुझे चार्जेस मिले थे, एक बंदा कह रहा था 25 पाउंड ने और एक कह रहा था 32 पाउंड है, लेकिन मसला कोई नहीं है क्योंकि मेरे लिए दोनों ही ज़्यादा हैं इसलिए मैंने नहीं जाना। वैसे अभी बंद है, अभी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ बंद है, तो लंदन आई देखना भी एक जो है वो ज़रूरी चीज़ है। जब आप वेस्टमिंस्टर के इस टूर पे निकलते हैं तो आपको लाजमी यहाँ पे इसका सिलसिला मिलता है। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लेस कार्ड है वो चलता है या नहीं चलता, लेकिन इस उम्मीद पर मैं जा रहा हूँ यहाँ से बैठ के थेम्स एक चक्कर लाने तो की बनता है, ये लाइनें तो यहाँ पे लगी हुई हैं लेने के लिए टिकट्स। यहाँ पे सिटी साइट सींग वालों का स्टॉप है, और इसके अलावा थीम रिवर ट्रिप्स है, सिटी क्रूज है और ऊबर बोट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्टलेस ओयस्टर कार्ड एक्सेप्टेड, और टाइम भी आ रहा है कि अब बटरीसा जी है इसने 13 मिनट बाद निकलना है, तो 13 मिनट बाद वाली जो राइड है उसको पकड़ते हैं। सारा यहाँ पे नक्शा दिया गया है कि कितों कितों लंघना है, कितने कितने जाना है, और ये है जी ऊबर की मशीन जहाँ से ले लिया जाएगा कार्ड। मैंने बड़ा शोखा होकर अरेबिक लड़कों को बता दिया है कि टावर मिलेनियम जो है वो ही टावर ब्रिज का स्टॉप है, उसी टिकट ले लो, उन्होंने भी ले लिया और मैंने भी ले लिया है, पता लगे दो ही दलील हो गए हैं। तो खैर कोई नहीं, चलते हैं। ये जो आप सामने बसेस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सारे टूर आए हुए हैं जिनकी ये शायद पार्किंग है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, उसमें गाइड भी होता है साथ, और झंडे झंडे उन्होंने पकड़े होते हैं, और यहाँ से फिर वो पैदल मार्च स्टार्ट कर देते हैं इस पूरे एरिया को डिस्कवर करने के लिए।
दरिया के दोनों तरफ से सवारियां पकड़ी हैं, मतलब मैं बिग बैंग वाले पियर से बैठा हूँ जो ऊबर का स्टॉप था, और ये उनकी तरफ आ गई है लंदन आई की तरफ से, और वहाँ से सवारियां पिक की हैं, और 20 मिनट लगेंगे हमें इस टोटल राइड में, और 20 मिनट में हम लोग टावर लंदन में उतर जाऊँगा। बोट वैसे बड़ी लग्जरी किस्म की है और हर तरफ से इसको मिरर लगाए गए हैं ताकि आप इसका व्यू इंजॉय कर सकें मैक्सिमम। हर तरफ विंडोज हैं। लंदन मिलेनियम का भी स्टॉप है और लंदन टावर ब्रिज का भी स्टॉप है। स्टॉप किए हैं और 20 मिनट में हम लोग पहुंच गए हैं मिलेनियम टावर। ये लंदन टावर है और बेसिकली इसका नाम टावर ब्रिज है। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, वैसे तो अंधेरा होता जा रहा है। पहले हम बना लेते हैं टावर ब्रिज की थोड़ी सी वीडियो, फिर कुछ खाते हैं। अब बिल्डिंग देख रहे हैं काफ़ी ऊँची सी ट्राइंगल शेप में, ये शार्ड है आई थिंक, और ये वेस्टर्न यूरोप की कहते हैं सबसे ऊँची बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा वो भी बना हुआ है रेस्टोरेंट, और इसके ऊपर जाने की भी 25 पाउंड फीस है, तो 25 पाउंड इच मैं एक बेहतरीन किस्म का खाना खा लेना है, लिहाजा एनू भी मिस कराओ। बोट ने जहाँ हमें उतारा है वहाँ से बड़ी ही प्यारी वॉक है दरिया के साथ साथ टावर ब्रिज जाने के लिए, और ये है जी अभी तक हम वेस्टमिंस्टर के एरिया में ही फिर रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है हार्डली 1.1 माइल्स था जब मैंने पैदल वॉक देखी थी वेस्टमिंस्टर ब्रिज से टावर ब्रिज तक जो है रास्ता, ये एक 1.1 माइल था, लेकिन मैं क्योंकि बोट का पंगा ले लिया है तो मैं बोट पे बैठ के आया हूँ। अभी मेरे साथ साथ टावर ऑफ लंदन चल रहा है, लंदन फोर्ट, और देखें सारे दरख्त भी यहाँ पे उजड़े हुए हैं, सब कुछ ग्रे येलो और वाइट सा सीन है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको हम गर्मियों में कवर करेंगे जब दरख्त बिल्कुल भर जाएंगे। अब ये देखें ग्रीनरी होगी, रंग होंगे और गर्मी होगी, एटलीस्ट सर्दी में काम करना वैसे मुश्किल लगता है मुझे तो, और हाथ मेरे ठंडे हो गए हैं, और लेकिन यह है कि ब्रिज करीब आ गया, ब्रिज तक पहुँचने फटाफट। हजरात ए तोपा ने जड़ी इन्होंने चला चला के बड़े सगीर फतह कर लेता सी, हालांकि वो तो उनको चलानी नहीं पड़ी थी, उन्होंने अपने बंदे खरीद के मरवाते सन, लेकिन यहाँ पर वो सारी तोपे पड़ी हुई हैं, इनके नाम भी रखे हुए हैं।
अच्छा टावर ब्रिज के जो टावर हैं इनके अंदर जाने के लिए भी टिकट है, मैंने पीछे पढ़ा है। वैसे इसी एपिसोड में मेरा प्लान था कि मैं जो हाईएस्ट बिल्डिंग है शार्ड, आई थिंक शार्ड है या शार्ड है, यहाँ जाता, लेकिन अभी मगरिब होने में कोई 20-25 मिनट रह गए हैं और मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते भी 20-25 मिनट लग जाने हैं, लिहाजा जब मैं उतर पहुँचना है तो काम ख़राब हो जाना है। व्यू जो है वो सिर्फ नाइट का ही मिलेगा। उस साइड पे उतारा था हमें बोट ने, ये जहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ से सारा एरिया मैं वॉक करता हुआ ब्रिज को क्रॉस किया और इधर आ गया। हम लोग आए हैं टावर ब्रिज, जिसे लंदन ब्रिज कहा जाता है, असल नाम इसका टावर ब्रिज है। वो मैं तुम्हें दस दिता क्या हूँ, क्योंकि अरे दो टावर नहीं हो, देखो एक दो। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि विंटर में जो लंदन है इसको हम सिर्फ बेसिक बेसिक फिरेंगे और ट्रैवल करेंगे आगे नॉर्थ की तरफ, और क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है और यहाँ पे, और कहने की हद तक ऐसा नहीं है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा म्यूजियम है, क्योंकि जब भी ये किसी मुल्क पे कब्जा करते थे तो उत्थों का सारा कुछ चुक के लेते सन, अपने म्यूजियम भर लेते सन, तो 100 से ज़्यादा म्यूजियम है यहाँ पे। मुझे जू में जाने का बड़ा शौक है, जहाँ पे शीशे की दीवार होती है वहाँ पे भी मैं जाऊँगा। इल्फर्ट जाएंगे, साउथ हॉल जाएंगे, इसके अलावा यहाँ का पिकेडली सर्कस है, लिस्टर स्क्वायर है, और इसके अलावा भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे जिनको हम कवर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर पूरी सीरीज़ करेंगे गर्मियों में, कोई 8-10 इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे, तब तक मौसम भी बेस्ट हो जाएगा और ग्रीनरी श्रीनरी सब निज़ाम सेट हो जाएगा। अच्छा, ब्रिज के इस साइड पे भी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं यहाँ का रूल है कि जितनी भी बिल्डिंग बनेंगी सारी शीशे वाली बनेंगी, सारी बिल्डिंग शीशे वाली हैं। मैं आपको दोनों तरफ की बिल्डिंग्स दिखाता हूँ। पहले जहाँ पे हमें बोट ने उतारा था वहाँ का जो टावर लंदन था उसके सामने जितना भी एरिया है सारा शीशे का था, शीशे की बिल्डिंग थी। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भी शीशे की बिल्डिंग, वो भी सारी हैं। दिल तो कर रहा था, सही बात बताऊँ तो निहारी खाने का दिल कर रहा था, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखा है, पाकिस्तानी फूड, तो लाहौर कढ़ाई के नाम से एक रेस्टोरेंट निकला टावर ब्रिज से, जो कि 3 मील दूर था और जाने में तकरीबन 45 मिनट लगने थे, और भूख भी लगी हुई थी, और मैंने कहा होना नहीं, दूर तो नहीं जाया जा सकता, तो हलाल फूड नियर मील गया, तो तकरीबन 0.4 माइल्स पे ही ये एक टर्किश रेस्टोरेंट मिल गया। और टर्की रेस्टोरेंट पर आपको पता है कोफ्ता कबाब और लैम फिश वगैरह चलता है निज़ाम, वो मैंने ले लिया है, लेकिन अच्छा इसकी खुशबू वैसी ही है जैसी होती है नॉर्मली। फिनेरी वॉक में आ गया हूँ, और यहाँ पे क्योंकि हो टू लाइट्स लगी हुई है विंटर लाइट्स, तो इसके लिए मुझे शाम को ही यहाँ पहुँचना था, और टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है 0 सेंटीग्रेड, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, जब हवा चलेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए मैं फुल पैक हो गया हूँ,
और ये जो एरिया है कैनरी वॉर्फ का, ये बिल्कुल इनका एक यू कैन से के कॉरपोरेट हब है। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है और थेम्स रिवर की जो ब्रांचिंग है वो इसके अंदर से गुजरती है। और बड़ा पड़ा और ये बड़ा प्यारा इलाका है, इसको दिन में भी वैसे देखना चाहिए। तो अभी इनिशियली क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे विंटर लाइट्स के लिए, तो कैनरी वॉर्फ को देखते हुए इसका रास्ता देखते हैं। ये एक ट्रेन है, मैप आपको यहाँ पे मिल जाता है, मेरे को तो कोई नहीं, अगर मुझसे मिल जाता ले लाँगा, नहीं तो खैर है। और देखते हैं जी कैनरी वॉर्फ पे ये जो लाइट्स हैं ये कैसी हैं और यहाँ पे हलाल खाने में क्या निज़ाम मौजूद है, मेरे साथ रहिएगा। ये पहली लाइट नजर आई है, बी लाइट है ये। इस लाइट के अंदर खड़े होने का एहसास बड़ा जबरदस्त है और लोग हैं जो बाहर निकलने नहीं पे, मुझे लगता है पूरा सांग ही कटे इन्हों। लेकिन यहाँ पे 360 बनाते हैं लाइट का कैमरे के साथ, क्योंकि कैमरा जो है यहाँ पे चल नहीं रहा लाइट्स के साथ, कुछ टेक्निकली मसला है वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, इसको मोबाइल से कवर कर लेते हैं। वैसे तो मेहमान भी पागल हो गए ने आगे। सर जी इनके अंदर चलते हैं। इस स्लाइड में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन इसमें हल्की हल्की सफर शुरू हो गई है, उसमें जिस तरह का म्यूज़िक लगा हुआ था और जिस तरह की लाइट की मूवमेंट थी, पता नहीं और किसी की होगी कि नहीं मेरी, लेकिन हो नहीं। बाकी इस पूरे एरिए में विंटर लाइट स्टीवर्ड पुलिस सिक्योरिटी गार्ड इस कदर ज़्यादा हैं और 8-10 कदमों पे उसको मैनेज किया जा रहा है। इस पूरे एरिए में जब आप लाइट नंबर 1 से स्टार्ट करें और लाइट नंबर 10 तक पहुँचें तो आप 10,000 से ज़्यादा स्टेप ले चुके होते हैं। मुझे तो लगता है आज मेरे 20,000 हो गए होंगे आज जो है ना, वो कदमों की ऐसी की तैसी हो गई है। लेकिन बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है, विंटर लाइट्स मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी और ना ही सुनी थी, ये तो मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि पाए ने बत्तियाँ वेखो जाके ते तुहाडा भरा फिर पहुँच गया। वापसी पे कोई रैप वगैरह ले लेते हैं ताकि बंदा बोर ना होए। और अगर आप यूके ट्रैवल सीरीज का पहला दिन देखना चाहते हैं जो मेरा लंदन में गुजरा, तो यहाँ क्लिक करें।